नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको कुर्ती में गले की डिजाइन बताएंगे जिसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन बनाने के लिए हमने ये कपड़ा और ये नेट का पीस लिया है। पहले हम पेपर में डिजाइन बनाएंगे। पेपर की लंबाई 7 इंच और चौड़ाई हमने शोल्डर के बराबर ली है। शोल्डर हमने 12 इंच लिया है। अब हम पेपर को चौड़ाई की साइड से फोल्ड करेंगे। ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। बंद की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहां से नीचे की साइड में भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहां से एक बॉक्स बना लेंगे। यहां कोने से 1 इंच की एक लाइन बनाएंगे और यहां से गोलाई देके यहां पे मिलाएंगे। गले के नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे गले के पास में। चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे और यहां नीचे की साइड में चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे। इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे। इसमें हम आर्म होल की मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि जो शोल्डर की चौड़ाई है उसके बराबर हमने पेपर को लिया है। अब हम टेप को शोल्डर के साइड से रखेंगे, 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ आर्म होल की साइड से टेप को रखेंगे, 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम ये तीनों मार्क को मिला के गोलाई देंगे। अब हम गले को और इस मार्किंग को कट करेंगे। गले की और इस गोलाई की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इस पेपर को नेट के ऊपर रखकर नेट कट करेंगे। नेट की डिजाइन को हम ऊपर साइड रखेंगे। अब हम नेट को 2 फोल्ड में रखेंगे। ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है और ये लंबाई है। इसके ऊपर हम ये पेपर रखेंगे। ये पेपर की भी बंद साइड है। दोनों साइड को मिला के बराबर में इस तरह से रखेंगे और गला और ये गोलाई को कट करेंगे। अब हम इस पेपर को कपड़े पे रख के कपड़ा कट करेंगे। कपड़े को हमने 2 फोल्ड में रखा है। ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है और ये कपड़े की लंबाई है, ये चौड़ाई है। हमने गले की लंबाई 2.5 इंच ली है, इसलिए पेपर को हम कपड़े से 2.5 इंच ऊपर रखेंगे। यानी कपड़ा हम इस गले के बराबर में रखेंगे और इसको पिन कर लेंगे। कपड़े और पेपर को हमने पिन कर लिया है। आप अपने गले का जो भी साइज लें, पेपर को कपड़े से उतना ही ऊपर करके रखें। शोल्डर की साइड से हम टेप को रखेंगे और आर्म होल की लंबाई 6 इंच लेंगे। यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ कोने से हम आर्म होल की गोलाई देंगे और इसी में मिला देंगे। यहां से चेस्ट का साइज और यहां से कमर का साइज और यहां से हम हिप का साइज लगाएंगे। चेस्ट, कमर और हिप में हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इस पेपर के किनारे से मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हम यहां करेंगे और जहां पे हमने ये ऊपर में मार्क किया है वहां पर भी एक मार्किंग करेंगे, यानी पॉइंट लगा देंगे और इस पेपर को अलग कर लेंगे। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। जैसे हमने पेपर में मिलाया है उसी तरह से यहां पर भी एक लाइन बना लेंगे। अब हम यहां से इसको कट करेंगे और इस लाइन को कट करेंगे।
अब हम आपको सिल के बताएंगे। डिजाइन के आकार में हमने ये अलग से कपड़ा कट किया है, इसको हमने इसके ऊपर रखा है, ये सीधा साइड है, उसके ऊपर ये कपड़ा रखा है, इसको हमने पिन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से ये आर्म होल है, इसकी पट्टी हम बाद में लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े के किनारे से कट का मार्क लगाएंगे। अब इस कपड़े को हम अंदर की साइड पलट देंगे। नेट के ऊपर हमने ये कपड़ा पिन कर लिया है। अब हम यहाँ किनारे से सिलाई लगाएंगे। गले से बढ़ी हुई पट्टी को कट करेंगे। गले और आर्म होल में हम ये पट्टी लगाएंगे, इसको हमने फोल्ड करके किनारे से सिलाई कर लिया है। अब हम इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ी सी पट्टी बाहर की साइड दिखाई देती रहेगी। जिस तरह से हमने गले में पट्टी लगाई है, उसी तरह से हमने आर्म होल में भी पट्टी लगा ली है। बीच में हमने ये तीन कुंदन लगाए हैं। कुर्ती में नेक का डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन को दबा दें और नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।